यहाँ पे गाड़ी में हनुमान गेट लगा दिया हमने, चार सांसे सीधे, दो सांसे लेफ्ट। तो भाई बहुत गंदा जाम लग चुका लिटरली, और भुवन लोग हमारा ऊपर वेट कर रहे हैं, बाइक से थे तो निकल गए और हम लोग फंस गए यार। सर यसु आज कमी खल रही है ना बाइक की। रोड में पहुंच चुके हैं फ्रॉम हैदराबाद। व्हाट्स योर गुड नेम? साईलीला। साईलीला एंड सर इज ऑल्सो फ्रॉम हैदराबाद। सर आप व्हाट्स योर गुड नेम? वेंकट सुब्बैया। नाइस मीटिंग सर। थैंक यू। तो बाकी की यार सीन्स आपके साथ शेयर करेंगे, और बहुत ज़्यादा क्राउड था लिटरली आज। हम देखे मेन वाटरफॉल वाली जोन में, अब मैं भी जा रहा हूँ। बाकी बता रहे हैं कि यार पानी ज़्यादा ठंडा है। ठंडा, पैर तो डालो, मतलब बहुत सही वाला होगा। हैप्पी होली गाइस। सो हेलो एंड वेलकम बैक ऑन दी चैनल। और पीछे देखो यार भाई आज है होली का दिन, और टोटल पांच बंदे हैं। सीन कुछ ऐसे है कि आपको एक बहुत एंटीक जगह ले जाने वाले, छह लोग हैं, मतलब एक भाई हमारे साथ नए जॉइन है, इनका नाम है करण। क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया। हैप्पी होली मेरी तरफ से, भाई को भी हैप्पी होली। हैप्पी होली भाई को, हैप्पी होली। क्या हाल चाल है? बाकी हम चार अभी साबुत बचे हुए। देखो सीन ऐसा था, ये हमारे साथ कार में आ रहा था रानी के से, इसका अचानक मूड बना, इसने कहा कुछ बाहर जाके हवा लूंगा, और यहाँ पे जो इसकी फैन फॉलोइंग थी सबने घेर के देखो भाई को हवा खिला दी। भाई ये घर से ब्लैक एंड व्हाइट आया था, इसे यहाँ कलरफुल बना दिया सबने मिलके। और भाई अभी हम निकल रहे हैं मुक्तेश्वर वाले रूट पे, तो कंटिन्यू करते हैं रूट पे आगे। वो जो हमारे आगे से गाड़ी नहीं गई यूपी वाली, जब लॉन्डो ने घेरा था उस बेचारे ने भी शीशे चढ़ा रखे थे। ये ताऊ। तो भाई सीन्स कुछ ऐसे थे कि हम लोग बाइक से जाने वाले थे, और टोटल मतलब हमारे साथ छह राइडर्स हो गए थे। आज की राइड जो थी हमारी बेसिकली मुक्तेश्वर वाली, सडन प्लान चेंज हुआ, दो लोगों ने प्लान ड्रॉप आउट कर दिया, तो इस वजह से हमें फोर व्हीलर लेके निकलना पड़ा। बाकी दिखाते हैं आपको आगे के सीन्स के, और घर वालों को पहले विश कर रहा था मॉर्निंग के टाइम पे होली वगैरह, देन उसके बाद में निकल गया सीधे मुक्तेश्वर वाली जोन में। और भाई लोग मुझे मार्केट में मिले थे गनियादोली, जैसा कि आज का हमारा मीटिंग पॉइंट था। उत्तराखंड में ट्रैवल करना थोड़ा सा आपको टफ पड़ सकता है, क्योंकि ये वाला जो रूट है अल्मोड़ा नेशनल हाईवे टू हल्द्वानी पूरा डैमेज चल रहा है, और यहाँ पे गाड़ी में हनुमान गेट लगा दिया हमने, चार सांसे सीधे, दो सांसे लेफ्ट। ये भैया हमारे, भैया ये विधायक जी हमारे काले पीले विधायक। तो भाई मुक्तेश्वर वाले रूट पे कंटिन्यू होने के बाद बीच में एक बढ़िया सा स्पॉट पड़ा था, वहां पे भी थोड़ा सा रुके थे, और भाई लोग ले रहे हैं यहाँ पे एंजॉय वो सामने।
भाई ये रूट जो सामने आप देख रहे हो ये अल्मोड़ा को चले गए यहाँ से, ये वाला रूट, और हम जाएंगे यहाँ से सीधे स्ट्रेट जाएंगे मुक्तेश्वर वाली रोड के लिए। और सामने एक बार आपको साइन बोर्ड में दिखा देते हैं, देखो मुक्तेश्वर यहाँ से 30 किलोमीटर है एंड उसके बाद रामगढ़, और ये वाला जो रोड है ये जागेश्वर अल्मोड़ा फसानी के लिए चले जाता है। तो भाई अभी हमें मुक्तेश्वर से अप्रॉक्स 25 किलोमीटर पीछे, 11:45 टाइम हो चुका है। बाकी भाई लोग यहाँ पे अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, कुछ आइडिया कितना टाइम लगेगा अभी? 20 किलोमीटर नीचे से दिखा रहा था, 30 किलोमीटर दिखा रहा था वहाँ से। अच्छा 25 बचा होगा ना समथिंग, आधा घंटा। तो आप लोग, तुम बाइक से जा रहे हो ना? हाँ मैं बाइक से जाऊंगा। ठीक है तो फिर हम चलते हैं। शक्ल दिखी नहीं इसमें। ये लोग जा रहे हैं बाइक से और हम लोग कार से कंटिन्यू कर रहे हैं। लकड़ी स्टार्ट करो तोड़ना। हाँ लकड़ी स्टार्ट करो ढूंढना। लकड़ी क्यों ढूंढ रहे हैं उसका भी एक रीजन है, आगे चल के बताएंगे आपको, मतलब वो भी एक सीक्रेट थिंग है। अभी हम पहुंचे नहीं है, ट्रैवल लॉग थोड़ी चल रहा है, मजाक हो रहा है यहाँ पे। हालत देखो यार पीछे कैसी हालत हो गई है, भाई भूख लग रही है यार। हम मतलब जा रहे थे, नहीं जा रहे थे अच्छे से जा रहे थे। किसका फोन आया पीछे से रोकने के लिए? भुवन। क्या हुआ था? टायर पंचर। बताओ किसने कहा था बाइक लाने के लिए, किसने कहा था बाइक लाने? सात बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। अब आ रहा था, अब हवा खाने के चक्कर में टायर पंचर करा लिया। और भाई अभी देखो यार हम रुके हैं यहाँ पे, उसी का वेट चल रहा है बस ये। बाकी यार भूख बहुत लग रही है, वहाँ देखो एडवेंचर का ट्रिप तो गया भाई, तेल लेने वो कह रहा है पहले मुझे खाना खिलाओ, उसको लग गई भूख वहाँ पे, पहले अब खाना खिलाओ। सही बोलते हैं घर वाले यार, सुबह नाश्ता करके जाओ। कितनी भूख लगी है? 5 किलोमीटर बचा है मुक्तेश्वर यहाँ से बस। और भाई गाइस बाकी यार एक बार आप व्यू एंजॉय करो। तो भाई ये हमने एंटर करा है मुक्तेश्वर वाली जोन में, और यहाँ से बस अब 6 किलोमीटर बचा है मेन मुक्तेश्वर। बाकी ये जो जोन चल रही है पूरी कॉटेजेस है यहाँ पे। बाकी यार होली का फेस्टिवल सीजन है तो इसलिए अच्छा खासा क्राउड भी दिख रहा है, और गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो जिन लोगों की फ्लैट है उत्तराखंड के आउटसाइड वो सभी यहाँ पे अपनी वैकेशंस में एंजॉय करने आए हुए हैं। रोड थोड़ी ज़्यादा ख़राब है बट प्लेस बहुत नाइस है, सीन बन्नाड वही है ने? हाँ सही कह रहे हो, पहाड़ी सीन बन्नाड। पहाड़ी की भी तो एक वीडियो होती है पहाड़ी ड्यू, पहाड़ी आर ऑन 5, पहाड़ी फॉर्चुनर। और आगे आप देख रहे हैं जो गाड़ी फ्रेम में चल रही है पहाड़ी फॉर्चुनर है। लिटरली पहली बार भाई पहाड़ों में भाई रोड एंड ड्रोन देखा था यार भाई, ये भाई टीवी में देखा था लिटरली भाई रोड एंड ड्रोन, भाई जंगल देखो भाई, भाई पूरा रोड एंड ड्रोन का जंगल चल रहा है। जूस निकल रहा है इसमें से, पता नहीं इसमें से जूस भी निकलने लग गया अभी अभी, मतलब है। और हालत देखो यार कितनी बुरी हो चुकी है, कच्चे रास्ते में चलने का नतीजा ये देखो आप लिटरली भाई। एक बार अगर मुक्तेश्वर आओ तो इस चीज को आप फील करो। मुक्तेश्वर से कुछ किलोमीटर पहले हम अभी, मतलब 2 किलोमीटर बस यहाँ से बचा हुआ है बस, ये यहाँ पे भैया ने कहा एंट्री कर लो तो एंट्री करने जा रहे हैं अभी। ये फॉरेस्टी की चौकी है ना, नंबर चढ़ेगा यहाँ पे, बाकी डिटेल्स वगैरह मेंशन होगी क्योंकि ड्यूटी है तो भाई सही है, मतलब एक तरह से सेफ हो आप, कोई इशू नहीं ऐसा। टेक द नेक्स्ट लेफ्ट ऑन टू डॉरी पोखरा रोड लिंक रोड। तो भाई अभी यहाँ से जो आप लेफ्ट टर्न देख रहे हो ये वाला टर्न है वाटरफॉल के लिए, तो लेफ्ट टर्न ले लेंगे यहाँ से।
फाइनली लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, बस गाड़ी पार्क करके और चलते हैं वाटरफॉल की तरफ फटाफट। तो भाई ये पहुंच चुके हैं हम बालूगढ़ वाटरफॉल के मेन गेट पे। कितनी एंट्री फीस है यहाँ पे? मात्र 50 पर पर्सन। भैया हर टाइम खुला रहता है, किसी सीजन में बंद भी रहता है? हर टाइम। तो वैसे मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मैं इससे पहले गया नहीं उस वाटरफॉल में। हिमालयन चढ़ जाती ना, एंकल लगवाएंगे। खुला है छोटू नीचे? क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल नाम। हेलो, एक जने की 300 रुपये। पैराग्लाइडिंग है? जिप लाइन। अच्छा, नमस्कार। हाँ मैं, नमस्कार। छोटा सा प्रैंक खुदे बचा है, भाई लोगों ने सोचा वो वाटरफॉल है, लेकिन वो वाटरफॉल नहीं है। अभी आगे को जा रहे हैं और भुवन भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। ब्रो आप सब, ब्रो हेलो, ब्रो आप सब उत्तराखंड से है ना ब्रो? ये समथिंग ग्राफिक के भाई पीछे से क्या आवाज आई थी, ये बहुत सही। माजू लोग कहेंगे रास्ता खराब होगा। ठीक है, मैंने ले लिया, मैंने लेबल लगा रखा। और प्रमोद मिस्त्री हां। अच्छा, और बाकी लोग प्लान वो हमारी है पूरी। और ये जो कैंटीन है, ये कैंटीन जो साइड में दिख रही है, ये तो बैंकर है, रेंट पे दे रहा है। 50 मीटर हो रहे बस 50 मीटर वाले पक्षी, ये 70 मीटर नाना वाले टाइम बस 50 मीटर और होगा। मैं ऊपर से ये डायलॉग तो चल रहा है, 50 मीटर और है। थैंक यू ब्रो, ये तो अच्छा मजाक था। तो फाइनली वी आर एट द वाटरफॉल भालूगढ़। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वाटरफॉल वाली जोन में, लेकिन ये कह रहा है यार पैसे बर्बाद हो गए, लिटरली मजा नहीं आया, क्योंकि ये कह रहा है कि दुकान वाला ज़्यादा बढ़िया था। बढ़िया उससे अच्छा भी है वो। तो भाई ये मेन वाटरफॉल वाली जोन है, बाकी ये वाला जो वाटरफॉल है वो आई गेस की दुकाना से ज़्यादा गहरा है। ये जो सामने आप रोप देख रहे हो, इस रोप से आगे वाली जोन से ये थोड़ा ज़्यादा गहरा है। और बाकी यार आते हो आप तो इन्जॉय करने के लिए बहुत सही सीन मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो भाई लोग चले गए मेन वाटरफॉल वाली जोन में, अब मैं भी जा रहा हूँ। बाकी बता रहे हैं कि यार पानी ज़्यादा ठंडा है ना, पैर तो डालो, मतलब बहुत सही वाला होगा लेवल है, बट वो और भाई ये वाला वाटरफॉल भी हमारे मुख्य, मतलब सॉरी ये वाला वाटरफॉल भी और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की जोन में आता है, मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर से 12 किलोमीटर आगे। बाकी ये एक बार वाटरफॉल की आप सराउंडिंग देख लो। तो बाकी ये भी एज यूजुअल बाकी के वाटरफॉल की तरह ही है, बट ये है कि इसमें थोड़ा सा अगर आप स्विमर हो तो आपको डीप स्विमिंग करने के लिए अच्छी खासी मिल जाएगी, क्योंकि आगे की जोन जो है ये वाली जोन ये बहुत ज़्यादा डीप है। तो गाइस ये वाली जो आप सामने जोन देख रहे हो ये आपको रस्ते में मिल जाएगी जब वाटरफॉल में ट्रैक करोगे। एंड यहाँ पे भी काफ़ी सारे स्पॉट्स जो आपको बैठने के लिए देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब। तो अभी हम लोग मूव कर रहे हैं रोड की तरफ, बाकी लोग आगे चले गए हैं। कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं आपसे अब सीधे रोड में। मतलब मौसम बहुत ज़्यादा बदल चुका है अभी, बहुत फटने के आसार हैं, बम फटने के नहीं बादल टूटने के आसार हैं। ये मेन गेट और बाकी के लोग वहाँ से आ रहे अभी। एंड ये बहुत ज़्यादा थक चुका है, देखो आते ही बस सीधे लग गया है पानी पे। भाई ट्रैक कैसा था? अच्छा था। इससे केदारनाथ वाले, खैर तो ये डेली जा, सॉरी हर, मतलब इनका तो इस बार जल्दी जाएंगे, ईयर टू ईयर का रहता है। थैंक यू। तो यहाँ पे हमें एक आंटी जी भी मिल गई फ्रॉम हैदराबाद, व्हाट्स योर गुड नेम? साईलीला। एंड सर, व्हाट? एंड सर इज आल्सो फ्रॉम हैदराबाद। हाय सर, आप व्हाट्स योर गुड नेम? वेंकट सुब्बैया। नाइस मीटिंग सर, थैंक यू। तो बाकी की यार सीन्स आपके साथ शेयर करेंगे, और बहुत ज़्यादा क्राउड था लिटरली आज। वाटरफॉल से निकलने के बाद अभी हम रुके थे एक प्यारी सी जोन पे और थोड़ा सा एडवेंचर चल रहा है। बाकी यार भाई लोग आप सामने देख रहे हो कि पूरी तैयारी में है, फुल मूड में, और बस यहाँ पे अभी फटाफट से मैगी वगैरह का प्रोग्राम है, मैगी बनाएंगे और थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लेंगे, देन मूव करेंगे घर की तरफ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं।
6:16 हो चुके ठीक हो गया। ये धनिया पनीर देखो सफेद वाला, पनीर सफेद वाला। तो ये है पूरा एडवेंचरिंग का मजा और कैंपिंग चल रही है भाई की फुल ऑन मूड में। और भाई लिटरली टाइम तो बहुत लेट है बट फिर भी कोशिश करेंगे कि फटाफट क्लोज करें, बट मोमेंट आपको देने थे तो बहुत जरूरी था इसलिए। बाकी आप एंजॉय करो मोमेंट, तब तक हम फटाफट निपटाते हैं कैंपिंग को। वो रखना कि गाड़ी में एक्सीलेटर पर पावर रखिए सीधे भवा ली, वो मिर्च का लेवल रखना है आज। बाकी अपनी अपनी तरफ से अपनी पसंद इंग्रेडिएंट ऐड कर देना, जो जो तुम डालते हो तगड़ा बना देना जहर बिल्कुल। पूरा बढ़िया करके तगड़े तरीके से नाइट आउट चल रहा है यहाँ पे और अपनी मैगी रेडी हो चुकी है, पिघल जाएगा, घुमाते रहो भी उसको। तो भाई 9:03 हो गए रात के और अभी हम पहुँच गए खैरना क्रॉस कर लिया हमने भुजान और ये करण भाई भी अपने घर पे जा चुके हैं। तो यार बाकी अभी ऐसा है कि यहाँ से मूव करने की तैयारी है तो हम लोग भी घर की तरफ जा रहे हैं। तो आज की वीडियो को ही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय भारत, टिल देन स्टे सेफ एंड ड्राइव सेफ। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, ओके बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस यू।